मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस को 12 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स जारी। लाहौर पुलिस को 65 लाख रुपए मिल गए। एडिशनल आईजी फाइनेंस ने तमाम अजला को फंड्स जारी किए। फंड्स खारदार तारें, ट्रांसपोर्ट, एहलकारों के खाने के खराजात की मद में दिए गए। सरकारी रेट लिस्ट आवाम और दुकानदार दोनों के लिए दर्दसर बनने लगी। मंडी से शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक सब्जियों की नकलो हमल के खौफनाक अखराजात। ज़राए के मुताबिक नकलो हमल के अखराजात और मुनाफे के लिए हर दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल करने लगा। पोश और आम इलाकों, शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडियों में हर चीज़ की मनमानी रेट पर फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 13 जुलाई को असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। हफ्ते के रोज़ 11 बजे पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली इजलास होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन असम्बली भी शरीक होंगे। वज़ीर बल्दियात निशान अफीकी ज़ेरे सदारत वेस्ट कंपनीज़ के CEOs का इजलास। पंजाब में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने के अमल में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर की CEOs को आउटसोर्सिंग के मुकर्रकर्दा टाइमलाइन पर अमल दरामद करने की हिदायत। और LWMC की जानिब से मुहर्रमुल हराम में सफाई प्लान पर अमल दरामद। ज़ायरीन को साफ माहौल की फरहमी के लिए मामबारगाहों की वॉशिंग का सिलसिला शुरू। अशूरा से कबल 120 बड़ी मामबारगाहों की सफाई की जाएगी।